शिवपुरी में एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया ने सक्रियता से कर्नाटक में बंधक मजदूर हुए रिहा। मजदूरों ने एसपी को किया सम्मानित। कर्नाटक के बीजापुर में बंधक बने शिवपुरी जिले के 35 से 40 मजदूरों को शिवपुरी जिले की पुलिस टीम ने बीते दिनों कर्नाटक पहुंचकर रिहा करा लिया है। गुरुवार को शिवपुरी पहुंचे मजदूर और उनके परिवारजनों ने इसके लिए शिवपुरी एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया को धन्यवाद देते हुए फूल माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। दरअसल बीते दिनों कोलारा थाना क्षेत्र के रहने वाले करीब 35 आदिवासी मजदूरी करने के लिए कर्नाटक गए हुए थे। इस दौरान लगातार अपने परिवार के संपर्क में थे, लेकिन करीब 10 दिन से न केवल उनका फोन आया बल्कि उनसे संपर्क करने पर परिवार वालों को उनके फोन अनरीचेबल का संदेश दे रहा था, जिसके बाद मजदूरों के परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से मजदूरों को खोजने की गुहार लगाई थी, जिस पर एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया ने सक्रियता दिखाते हुए तुरंत एक टीम गठित कर कर्नाटक भेजी। पुलिस टीम ने कर्नाटक पहुंचकर मजदूरों को रिहा कराया, जिसके बाद एसपी ऑफिस पहुंचे मजदूरों ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि कर्नाटक में उन्हें बंधक बनाकर जबरदस्ती मजदूरी कराई जा रही थी। इस दौरान मजदूरों के साथ बेरहमी से मारपीट भी की जाती थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में मजदूरों को कार्यवाही किए जाने का भरोसा दिलाया है। सुनिए क्या कहा एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया ने। कराए हैं शिवपुरी के आदिवासी जो मजदूर थे कर्नाटका में जो फंस गए थे, तो इस पर एक बड़ा योगदान जो है पुलिस का एक बहुत बड़ा कदम रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे ही सूचना मिली थी कि लोग आए थे और ऑफिस में बताए थे, मैं तत्काल उसको श्रेष्ठ लेते हुए और यहाँ से पुलिस टीम में जो उनका कर्नाटक में बीजापुर और गुलमर्ग जिला है वहाँ पर मैंने भेजा था। वहाँ पर पुलिस टीम इंस्पेक्टर एशआई और हमारे हवलदार प्लस 8-7 लोग गए और वहाँ उनको पता किया गया। हमारे साइबर सेल ने मदद किया, उसमें कौन कौन लोग उसमें थे जो यहाँ के ठेकेदार थे उनको पकड़ा गया, फिर उनसे बात हुई, उन्होंने भी मदद किया उसको निकालने में कहाँ पे थे उनके जो ठेकेदार, वहाँ पे जो श्रमिक ठेकेदार थे वो इनकी इनको आने नहीं दे रहे थे, वहाँ पे घर नहीं आने दे रहे थे, ये चीज़ें मालूम पड़ी और उसको वहाँ से छुड़वाया गया। वहाँ पुलिस को मदद ली गई और उनके मोबाइल वाले कुछ रख लिए हैं जी, वो अभी हम लोग को पता करते हैं कौन मोबाइल रखा है जी, और वहाँ के पुलिस अधीक्षक से बात करके उसमें हम वैधानिक कार्रवाई कराएंगे और जो बात हूँ जीरो अपराध दर्ज करेंगे। मतलब इसके ऊपर आगामी अब हमारी तरफ से ये कार्रवाई है। हाँ, अभी आप देख रहे हैं कि 2:40 के आसपास जो मजदूर वहाँ से वापस आ चुके हैं जी, और बड़े अच्छी बात है कि पुलिस अच्छा काम किया इस मामले में, तत्काल वहाँ थोड़ी जाके उनको वापस किया और इस प्रकार से संदेश भी जा रहा है। कभी भी ये लोग जाएँ तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दे, थाने में इन्फॉर्म करके जाए कौन व्यक्ति ले जा रहा है नहीं जा रहा है, इसके बारे में इन्फॉर्म कर दे।